कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 10 की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें क्या सीखा था कि समांतर श्रेणियों के बारे में ना, समांतर श्रेणी क्या होती है। आज उसी के आगे चौथा प्रश्न करना चालू करते हैं। अपना चौथा प्रश्न क्या था, प्रश्नावली आपकी कौन सी, 5.1। और अब इसके चौथे प्रश्न की ओर आएंगे तो आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं। यदि कोई AP है तो इसका सारबंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन पद लिखिए। ठीक है, कह रहा है कौन कौन से AP हैं और जो AP हैं इनके क्या क्या निकालने हैं, तुमको सारबंतर निकालना है और ज्ञात करना कि AP है कि नहीं। तो देखो, हम लोग पहले सवाल पे आते हैं। पहला आपका दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। पहला है 2, 4, 8, 16। ये AP में है कि नहीं ये बताना है आपको। तो आपको पता है AP क्या होता है, जिनमें सारबंतर सबका सेम होता है। हम यहाँ देख के कह सकते थे पहला पद A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3, चौथा A4 है। और हमने कहा था जो सारबांतर होता है D सबको बराबर दिखाते थे, हर अगले वाले पद से पहला वाला घटाते थे, A3 से A2 घटाएंगे और A4 से A3 घटाएंगे और सब सेम आनी चाहिए। अगर सेम है तो हम कह देंगे कि AP में है, और अगर सेम नहीं है तो हम कह देंगे AP में नहीं है। तो देखते हैं क्या है। तो A2 हमने देखा 4 है और A1 देखा हमने कितना है, 2 है। A3 8 है, ये 4 और ये 16 है, 8। तो पहला अंतर 2 आया, दूसरा अंतर 4 आया, तीसरे का अंतर 8 है और ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि डी जो है AP में सारबंतर सेम नहीं है। इसलिए क्या है, AP में। अब पूछा गया पहला पद क्या है, तो हमेशा याद रखना पहला तो 2 ही है, लेकिन अगर सारबंतर AP में होता तो हम बताते, AP में नहीं तो हमको बताने की कोई जरूरत नहीं। हम इसके बाद इसका दूसरा सवाल देखते हैं। मैं इनमें कुछ बताऊंगा कुछ नहीं बताऊंगा, जैसे मान लीजिए दूसरा आप लोग खुद ही लगा लेंगे या मैं चलो बताया दे रहा हूँ, पहले मैं 2-3 लगातार करवा दूँ। 2.5/2, 2.5/2, फिर आपका लिखा हुआ है 3.7/2। आप लोग याद रखिएगा, लगाते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और अभी से बेहतर तैयारी हो जाएगी। बाद में आप सोचिए होता है तो कुछ नहीं होता, ठीक है जीवन में एक एक दिन कट जाते हैं और पता नहीं चलता, इसमें भी ऐसे है ना। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, आप तुरंत कह देंगे पहला पद तो जी 2 है, दूसरा 5/2 है, लेकिन AP में है कि नहीं, तो आपका वही तरीका A2 - A1, A3 - A2, केवल 2 ही दिखा दो या 3 दिखा दो, A4 - A3 करेंगे तो आपको यहाँ तुरंत दिख जाएगा। आप कहेंगे जी 5/2 से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे और 7/2 से 3 घटाएंगे और इस प्रकार जो है हम लोग 3 से 5/2 घटा देंगे, ठीक, और 7/2 से 3 घटाएंगे, आपस में बराबर है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। 2 × 4, 5 से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, नीचे 2 ही। 3 × 6 से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 2 × 3 = 6, 7 से 6 जाएंगे, 1 बचेगा, नीचे 2। तो आप कहेंगे जी सबका तो सारबंतर एक जैसा है, इसलिए हम कह देंगे ये AP में है। किसमें है, AP में है। और अगर AP में है तो पहला पद तो आपको दिख ही रहा है जी, पहला पद क्या होता है, A1 होता है और A1 कितना है, 2 है। तो आप देख के कह दिए कि पहला पद कितना है, 2 है। अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, मैं इसको मिटा दूं। तीसरा देखो माइनस वाला है तो इसलिए हम तीसरा भी कराए दे रहे हैं, आराम से लगाते रहो कोई दिक्कत नहीं, और अभी करते रहेंगे धीरे धीरे सब हो जाएगा और एक ऐसा समय आएगा आप तो कहेंगे कि जो है आपकी पूरी बुक या पूरा सिलेबस समाप्त हो चुका, उसके बाद आप रिवीजन करेंगे। हम लोग का मैक्सिमम प्रयास रहेगा, धीरे धीरे चल रहे हैं इस तरीके से भी, आप ये मान के चलिए अक्टूबर तक ही आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और फिर अक्टूबर के बाद 4 महीने आपके पास बचेंगे रिवीजन करने के लिए। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट या जो सीरीज है या अनसॉल्व पेपर, हम लोग उनको भी सॉल्व करते रहेंगे। लेकिन हाँ, अभी इतनी मैं इतना कह रहा हूँ कि आप लोग अभी साथ बने रहिए और धीरे धीरे लगाते रहिए। फिर अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न है -1/-1.2, -3.2, फिर -5.2 और उसके बाद -7.2। पूछ रहा है AP में है कि नहीं, तो आप कहेंगे कुछ नहीं करना है हमको, वही A1, A2, A3 देखना है, हम लोग देख लेते हैं। तो आप कहेंगे A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है और A4 ये, ऐसे चलता रहेगा। तो आप कहेंगे D निकालना है, A2 - A1 करेंगे, A3 - A2 करेंगे, A4 - A3 करेंगे। कर लो A2 - A1 -3.2, घबराना नहीं कि माइनस देख के, केवल घटाना है
घटाओगे कितना माइनस एक दशमलव दो, दूसरे में ए थ्री माइनस पाँच दशमलव दो घटाओगे कितना माइनस का तीन दशमलव दो। फिर इसके बाद अगला देखना, अगला देखने के बाद आप कह देंगे कि माइनस सात दशमलव दो से माइनस का पाँच दशमलव दो घटाना है। ठीक, देखने के बाद ही आप कहेंगे माइनस तीन दशमलव दो प्लस का एक दशमलव दो दूसरा प्लस का तीन दशमलव दो होगा, माइनस सात दशमलव दो प्लस का पाँच दशमलव दो होगा। और आप देखेंगे तो कहेंगे जी प्लस माइनस माइनस होगा, चिन्ह बड़े जो डिजिट बड़ी होगी और उसमें जो साइन लगा होगा वही लगा देंगे। तो आप केवल अगर डिजिट देखें साइन ना देखें तो आप कहेंगे तीन दशमलव दो बड़ा है, तो आप कहेंगे इसमें माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा। अब प्लस माइनस माइनस होगा तो बत्तीस से बारह जाएंगे कितना बचेगा, बीस बचेगा, बीस का कहने मतलब टू पॉइंट जीरो बचेगा, कहने मतलब तीन दशमलव दो एक दशमलव दो घटाओगे तो दो से दो जाएंगे दो नहीं बचेगा, तीन से एक जाएगा दो बचेगा। ठीक, और फिर इसके बाद इसमें भी करोगे तो आप इसमें भी देखेंगे यही बचेगा, इसमें भी देखोगे तो यही बचेगा, और सब में जो है सेम आ रहा है इसलिए आप कह देंगे कि ये क्या है एपी में है, किसमें है एपी में है। ठीक है, और हो सकता है कि आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो क्योंकि लाइट चली गई, कोई बात नहीं, लाइट आएगी तो हम इसी के आगे का भाग बढ़ाएंगे, हम इसको तब तक मिटाए दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि माइनस दस कामा छः अगर हम इसको लगाना चालू करें तो आप कहेंगे ए वन कितना है दस है माइनस का, डी निकालना है तो आप देख के समझ जाएंगे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ऐसे रखेंगे तो ए टू माइनस ए वन हर बार वही करना है, ए टू माइनस ए वन, ठीक, ए थ्री माइनस ए टू ए फोर माइनस ए थ्री। अब मैं ये नहीं लिखूंगा आप खुद ही समझ जाइएगा, तो लिखा माइनस दस से माइनस कितना घटाओगे माइनस का दस घटाओगे बराबर माइनस दो से माइनस छः घटाओगे, उसके बाद क्या घटाओगे दो से माइनस दो घटाओगे। अब देखते हैं कितना आएगा, तो आप लोग डी देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो दो से माइनस दो को घटाएंगे, माइनस दो कितना लिखा हुआ है दो से माइनस दो घटाना तो प्लस का दो। अब देखना दस से छः जाएंगे कितना बचेगा चार बचेगा, छः से दो जाएगा दो चार बचेगा, दो दो जुड़ेगा कितना हो जाएगा चार। तो आप देखते हैं कि आपका सारांतर कितना है नियत है, क्या है नियत है और कितना कितना आ रहा है चार चार आ रहा है, इसलिए आप तुरंत कह देंगे ये किसमें है एपी में, किसमें है एपी में है। तो पहला पद ए दिखाते हैं तो ए बराबर कितना है माइनस का दस है और डी कितना है चार, और इस प्रकार ये श्रेणी एपी में है, आप इसको देख के ऐसे लगा लेंगे। फिर इसके बाद इसमें अगर सातवें छठे प्रश्न को आप लोग देखना चालू करिए तो आप छठा भी कह देंगे क्या ए वन ए टू ए थ्री चलेंगे, कुछ करना नहीं केवल यही करना है, तो डी इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे ए टू से ए वन घटाएंगे मतलब जीरो दशमलव दो दो से माइनस जीरो दशमलव दो। फिर अगला बराबर किसके दिखाएंगे जीरो दशमलव दो 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 माइनस जीरो दशमलव दो दो, इस प्रकार मैं तीनों मिला लेता हूं, मैं केवल दो ही को चेक कर लूं। तो हम लोग देखते हैं कितना दो घटाने का सबसे अच्छा तरीका, दशमलव वाले में आप लोग को अगर दिक्कत होती तो ऐसे रख लिया करो दशमलव के नीचे दशमलव, तो आगे चाहे जितने जीरो लगा दो तो कितना आएगा दो आएगा, दो से दो जाएगा इतना बचेगा। ठीक, तो पहला कितना बच रहा है जीरो दशमलव जीरो दो, अगला वाला अगर घटाएं तो हम लोग यहाँ घटा के देख लेते हैं जीरो दशमलव दो 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 को अगर हम घटाएं जीरो दशमलव दो दो फिर जीरो लगा लो दो जीरो जीरो, तो आप देखेंगे अगला आ रहा है जीरो दशमलव जीरो जीरो दो, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें एक अंक के बाद है और इसमें दो जीरो के बाद आ रहा है। ठीक, तो आप कह देंगे कि डी नियत नहीं है, डी नियत नहीं है, अतः ए पी में नहीं है, अतः ए पी में नहीं है। ठीक, तो आप इसको आराम से लगाते रह सकते हैं, कुछ करना नहीं केवल लगाते रहो, यही डी निकाल लो, डी फिक्स आ रहा है तो आप कह देंगे समांतर श्रेणी में है और नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे समांतर श्रेणी में नहीं, कुछ इतना ही केवल करना है। मैं एक दो और बता दूंगा इसके बाद फिर
अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देख लो ए यही है, मैं इसको देखूं तो इसका अंतर कितना आ रहा है। हम लोग करेंगे कि डी बराबर 3 + √2 - 3 इक्वल टू कितना आया 2। थ्री डी इक्वल टू इसमें वाले का भी देख लें 3 + √2 माइनस ये वाला घटा दो, तो जब ये घटाओगे डायरेक्टली इसमें घटाएंगे तो सब माइनस में ही होगा, ये कितना आएगा। तो आप कहेंगे जी 3 से 3 चले जाएंगे, 2 √2 से √2 जाएगा तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। ठीक, और यहाँ जब ये 3 से 3 गए थे कितना बचेगा था, √2 बचा। अगला वाला भी घटा के देख लें, अभी इस वाले से ये वाला घटाएं तो आप इसको भी देख के कह देंगे 3 + √2 - 3 - √2, क्योंकि माइनस अंदर गुणा कराओगे तो भी होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 √2 से 2 √2 जाएंगे कितने बचेंगे, √2 बचेगा। नहीं घटाना आता तो ऐसे घटा लिया करो। आप कहेंगे √2 कॉमन है, √2 कॉमन लोगे अंदर बचेगा 3, अंदर बचेगा 2, 3 से 2 जाएंगे बचेगा 1, और 1 का मतलब गुणा कराओगे 2 ही आएगा, मतलब रूट। तो आप कहेंगे डी नियत है, डी नियत है, डी नियत। अच्छा हाँ, इसके बाद इस प्रश्न में एक चीज और था कि इसके अन्य 3 पद भी लिखो, तो मैंने शुरुआत में नहीं लिखा, तो आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसके पहला वाला, जैसे मैंने ये लगाया था, इसमें हमने देखा था डी कितना आया था, मैं 1 बता दे रहा हूँ, जैसे छूट गया तो आप लोग करते रहिएगा। इसमें डी आया था 4 और ए आया है 2, ए आया है माइनस का 10, उससे कोई मतलब नहीं, ए लिख लो, ए है माइनस का 10। कह रहा है इसके अगले 4 पद, अगले 3 पद लिखने, तो पहले तो ये यहाँ तक ही हो गया। हमको पता है डी केवल क्या करता है, अगले अगले पद में केवल जोड़ता रहता है, तो हम कहेंगे 5वां पद ए 5 कितना होगा, ये चौथे पद में केवल डी जोड़ना है, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अब क्या करोगे फिर अगले में ए 6 निकालोगे, तो क्या करोगे ए 5 में डी जोड़ दोगे, ए 5 तो तुम्हारा 6 था, उसमें 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसके अलावा अगला 8 होगा, फिर 4 है तो इसमें 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आप तुरंत कह देंगे कि अगला तो 10 होगा, 10 के बाद एक और निकालना है तो डी ही जोड़ना है, 10 4 14, चाहे लिख के लगा लो। E7 कितना होगा, E6 में 4 जोड़ना है तो E6 तो 10 है + 4 = 14, या केवल आपको सीरीज में 4 बढ़ाते रहना है, 2 आए 4 बढ़ाए 6 हुए, 6 में 4 बढ़ाया 10 हुआ, 10 में मतलब केवल पदों में बढ़ाते रहना है, ये करना था। ये मैंने प्रश्न पे ध्यान नहीं दिया इसलिए उसको हम करा नहीं रहे, तो आप लोग ये ध्यान करके जरूर कर लीजिएगा, बीते जितने भी प्रश्न मैंने अभी पिछले लगाए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये आप कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ पीछे प्रश्न जाने कोई जरूरत नहीं। इसमें भी वही करोगे, करना क्या है, ये तो एटी में था ही नहीं, जब है नहीं तो उसमें लगाना नहीं था। और इसमें √2 आया है तो इसका मतलब ये, इसमें भी अगर आपको निकालना है तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ तक किया गया केवल √2 √2 जोड़ना है, तो हम अगला पद निकालेंगे तो √2 जोड़ेंगे, तो 3 √2 था, एक और जोड़ेंगे तो 4 √2, देखो बढ़ता जा √2 1 √2 2 √2 3 √2, अगला क्या होगा 3 + 4 √2, फिर अगला क्या हो जाएगा 3 + 5 √2, फिर अगला क्या हो जाएगा 3 + 6 √2। ठीक, किया कैसे गया है आपको तुरंत समझ में आएगा कि हर पद में जोड़ा गया, मतलब इसके अगला वाला निकालने तो हम क्या किए, A5 निकाला है तो हमने A4 में कितना जोड़ दिया, √2 जोड़ दिया, और A4 तो आपको पता है 3 + 3 √2, उसमें √2 जोड़ा, बस हो गया 3 + 4 √2। फिर A6 निकालना था, हमने क्या किया A5 में √2 जोड़ दिया और A5 की वैल्यू है, फिर √2 जोड़ा, फिर A7 आया उसमें भी हमने A6 में √2 जोड़ दिया, और इस प्रकार ये निकाल लिए। ठीक है, तो आप ये चाहे लिख के करोगे बहुत अच्छा रहेगा, और ऐसे भी सामान्य तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो हम लोग इसको मिटाते हैं फिर अगले करते हैं। ये याद रखिएगा थोड़ा सा कि जो पीछे छूटा था हम लोग इसको भी कर लेते हैं। ठीक, अब हम आगे का देखते हैं, अगला प्रश्न, अगला ये आसान है, हम लोग देखना चालू करें अगला। अच्छा, अभी एक तो लिखाया गया है ना 0 - 4 - -8 - 12, तो इसको लगाते हैं, तो हम लोग इसमें भी देखेंगे तुमको क्या समझ में आता है। डी निकालो तो -4 से 0 घटा रहे हो, -8 से -4 घटा रहे हो, फिर -12 से -8 घटा रहे हो, और हर बार घटाने के बाद आप देखते हैं क्या कि ये घटाना तो कितना -4 आया, -, -, प्लस होगा तो प्लस का 4, देखो
माइनस आठ प्लस का चार, माइनस का चार बच रहा है, माइनस का बारह प्लस का आठ कितना, माइनस का चार। तो आप कह देंगे डी माइनस चार जो क्या है नियत, किसी में बदल नहीं रहा, हर बार अंतर कितना है माइनस चार माइनस चार माइनस चार। तो आप कह देंगे इसका मतलब एपी में है, किसमें है, आप कहेंगे एपी में है, और एपी में है तो पहला पद आपको दिख ही रहा है चार जीरो है। तो अगर आपको ए फाइव निकालना, तीन चार दिए गए ए फाइव निकालना है, तो आप कहेंगे ए फोर में ए फोर प्लस डी, और ए फोर आपको पता है कितना है, ए फोर कितना है माइनस बारह है, में क्या जोड़ना है माइनस चार, तो कितना हो जाएगा माइनस सोलह। ठीक, इसका अगला क्या हो जाएगा माइनस सोलह हो जाएगा। फिर आप ए सिक्स निकालेंगे, आप ए सिक्स निकालेंगे तो आप कहेंगे क्या ए फाइव माइनस फोर, और ए फाइव तो आपका कितना है माइनस का सोलह माइनस का चार, कितना हो जाएगा माइनस का बीस हो जाएगा। फिर आप ए सेवन भी निकालेंगे तो आप कहेंगे ए सिक्स में माइनस फोर ऐड करना है, तो माइनस बीस था चार और जोड़ोगे माइनस का चौबीस, मतलब माइनस में चार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप आराम से निकाल लेंगे। इसके बाद हम अगले की ओर बढ़ेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न है, अभी केवल आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप एपी पहले पहचानना तो सीखिए, कितना अंतर में दिया है, गुणन दिया कैसे भी दिया है। तो आप एक बार एपी पहचानना सीख गए तो अगली एक्सरसाइज में आपसे पूछे जाएंगे कि आप पांचवा पद निकालो, आठवां पद निकालो, सातवां पद निकालो, इस प्रकार आप फार्मूले से निकाल लेंगे। अभी तो फार्मूला हम लोग यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगला भी दिया गया है कि ए कमा ए स्क्वायर ए क्यूब, नहीं अभी तो बटे वाला भी दिया गया। तो प्रश्न आसान है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा सार्वांतर को आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे माइनस एक बटा दो माइनस एक बटा दो माइनस एक बटा दो, ये प्रश्न आपको जब नजर आएगा तो ये इसमें केवल कुछ नहीं बढ़ रहा, तो जीरो जीरो बढ़ रहा, तो जीरो भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी उसी में आएगा। फिर ए अगला प्रश्न आपको दिखेगा एक तीन कामा माइनस नौ कामा सत्ताईस, अगला लिखा हुआ है एक तीन कामा नौ कामा सत्ताईस, और इसको देखेंगे तो आप अंतर देखेंगे तो पहले में दो है, फिर दूसरे में कितना है छः है, तीसरे में कितना है अट्ठारह है, तो आप कहेंगे ए पी में नहीं है, और इस प्रकार आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा लगाएंगे। फिर अगला देखेंगे प्रश्न है ए कामा टू ए कामा थ्री ए कामा फोर ए, इसको पता करना, तो आप देखेंगे हर बार केवल कितना पड़ रहा है ए बढ़ा, इसमें भी ए बढ़ा, इसमें भी ए बढ़ा, तो आप कहेंगे ए बढ़ रहा जो क्या है नियत है, अतः ये एपी में, किसमें है एपी में, तो निकालेंगे चार ए, फिर अगला पाँच ए, फिर अगला छः ए, फिर अगला आप कहेंगे सात ए होगा, आसानी से करेंगे। फिर ग्यारहवां प्रश्न आप देखेंगे क्या है ए कमा ए स्क्वायर कमा ए क्यूब कमा ए की घात फोर डाट डाट डाट, इसको बताना एपी में है कि नहीं, तो ये एपी में है नहीं, गुणोत्तर श्रेणी है, लेकिन कैसे मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आप केवल एपी के फार्मूले करेंगे तो आप कहेंगे जी ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू ए फोर, क्योंकि आपको तो यही पता है निकालने का, तो आप देखेंगे होता है कि नहीं, चलो ठीक है देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए हमने किया, फिर ए थ्री माइनस ए स्क्वायर किया, फिर अगला ए फोर माइनस ए थ्री किया, अब देखते हैं डी सबका सेम है कि नहीं, सेम होगा तो होगा, तो ए कामन था हमने ए कामन ले लिया, कितना बचा ए माइनस वन बचा, अगले में ए स्क्वायर कामन है ए माइनस वन बचा, अगले में ए क्यूब कामन है ए माइनस वन, तो आप देखेंगे ये तो सब में ठीक है, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है पावर, तो इसका अब ये आपस में इक्वल नहीं, इसलिए कहेंगे डी सब नियत नहीं है, डी नियत नहीं है, अतः ए पी नहीं है, अतः ए पी में नहीं, एपी में नहीं। तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर इसके बाद आप अगला देखेंगे रूट टू रूट एड रूट अठारह रूट बत्तीस, इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है, इसको भी आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न रूट टू रूट अठारह, ये कौन सा प्रश्न है मैं लिख दूं, बारहवां प्रश्न है आपका रूट टू कामा रूट एड कामा रूट अट्ठारह रूट बत्तीस, और ये निकालना है। तो आप पहले देखेंगे एपी में है कि नहीं, तो एपी क्या करेंगे ए टू माइनस ए वन रूट एट माइनस रूट टू, फिर उसके बाद रूट एट्टीन माइनस रूट एट, फिर आप कहेंगे रूट बत्तीस माइनस रूट अट्ठारह है कि नहीं, तो हम लोग देखते हैं इसको चार दूना आठ लिखोगे तो चार से बाहर कितना आ जाएगा दो आ जाएगा, तो दो रूट टू माइनस रूट टू,
नौ दुनिया 18, नौ का 3 बाहर आएगा, अंदर 2 बचेगा, 4 दुनिया 8, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 बचेगा, 32, 16 दुना 32, 16 का 4 बाहर चला जाएगा, 2 को बचेगा, ये आपको आना चाहिए ना इतना। 9 दुनिया 18, 9 का 3 बाहर आ जाएगा और फिर आप देखेंगे 2 रुकू से रुकू जाएगा तो रुकू बचेगा, इसमें 3 रुकू से 2 रुकू चले जाएंगे रुकू बचेगा, 4 रुकू से 3 रुकू चले जाएंगे रुकू बचेगा। तो आप कहेंगे डी कितना आया है, रुकू आया है जो क्या है नियत है, अतः एपी में है, एपी में है। और अगर एपी में है तो आप कह देंगे कि हर बार कितना जोड़ते चले जाना है, रुकू रुकू जोड़ना है। तो यहाँ रूट 32 था और अगले में क्या करोगे रूट 32 है ना, तो ए 5 निकालोगे तो आप क्या कहोगे ए 4 प्लस रूट 2 और ए 4 कितना है रूट 32 है। और हमने रूट 32 को कुछ इस तरीके से लिखा था 4 रूट 2, तो 4 रूट 2 में रूट 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 रूट 2 आएगा। तो इसका नाम अगला 5 रूट 2 लिखेंगे, या इसको अंदर ले जाओगे तो 5 पचे 25 दूना 50, या इसको आप 50 लिख सकते हैं रूट में, ठीक है। फिर इसके बाद अगले वाले को आप देखेंगे तो अगला वाला 5 रूट 2 है तो अगला 6 रूट 2 होगा, और 6 रूट 2 6 को अंदर ले जाओगे 36 होगा, 36 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा रूट का 72 आएगा। इसके बाद अगले में भी ले जाओगे तो अगला कहोगे 7 रूट 2 होगा, एक एक बार तो बढ़ रहा है, तो आपको के साथ साथ 49 गुना 98 मतलब रूट का 98, चाहे जैसे आप लगाइए या ऐसे लिख के लगाते चले जाइए, आपको मैंने तरीका बता दिया है, आप अपनी इच्छानुसार स्वेच्छानुसार करते रहें आ जाएगा और आप लगा लेंगे। इसके बाद देखो मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब हम अगला सबसे लास्ट वाला लिख लें जो 15वां प्रश्न है, बाकी आप 2 बचे हैं बीच के लगा लीजिएगा। मैं 15वां कर लिखता हूँ वो भी देख लेते हैं कैसा है, एक दो कॉलम छोड़े बाकी मैंने सारे इसमें लगवा दिए हैं। 15वां है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 दिया गया है, 1 का स्क्वायर कितना का स्क्वायर दिया गया है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर फिर 73। देखो ये स्क्वायर में नहीं, इसलिए हम सबको स्क्वायर से हटाते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 25 होगा, 49 होगा, 73 ही होगा, ठीक। फिर डाटा हमने इन दोनों का हम डी निकाल लें तो हम कहेंगे 25 माइनस 1 49 माइनस 25 और 73 माइनस 49। अगले वाले में से पहला वाला पद निकालते हैं 24, ये भी आप घटा रहे हैं तो 24, ये भी आप घटाएंगे तो 24, तो आप कहेंगे डी जी नियत है, डी कितना है 24 आया है नियत, अतः ए पी में, अतः ए पी एपी में है। तो अगला निकालेंगे तो 24 जोड़ देंगे, तो 24 जोड़ेंगे 73 प्लस 24 कितना आएगा, फिर उसके बाद अगले में भी 24, फिर अगले में भी 24, आप इस तरीके से 3 पद आगे वाले निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपको ये एक्सरसाइज मैं आशा करता हूँ पूर्णतया समझ में आई होगी। अब इसके बाद मैं अगले लेक्चर में प्रश्नावली 5.2 को चालू करूंगा और जिसमें आपको कितने प्रश्न मिलेंगे 20 प्रश्न है, कम से कम 3 लेक्चर लगेंगे और मजा भी आएगी क्योंकि अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे 5.2 5.3 में, जो अच्छे प्रश्न हैं उनको भी करवा दिए जाएंगे क्योंकि बोर्ड में वो लॉन्ग में आते हैं, जो आपको 6-7 नंबर के जितने भी आते हैं आपको दे के जाएंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं आप करते हैं, आप सभी को ढेर सारी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।